हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाय का मसाला, तो उस वीडियो को प्लीज पूरा देखिए। और आयुषी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को, प्लीज सपोर्ट माय चैनल। मैंने जो जो सा मसाला यूज किया है मैं आगे वीडियो में आपको पूरा दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर केसर का भी यूज किया है और छोटी इलायची भी ली है मैंने। तो अब हम फ्राई पैन में रखेंगे अपना सारा मसाला। आप चाहे तो कढ़ाई में भी भून सकते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें काली मिर्च, और सर्दियों में वैसे भी चाय के लिए मसाला होना ज़रूरी है क्योंकि ठंड इतनी पड़ती है, तो गर्मा गर्म चाय पीने में मज़ा ही आ जाता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले काली मिर्च भूंज रही हूँ स्लो आँच पे, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए हाथ और इसी तरह घुमाते हुए भून लेना है। एक दो बार और घुमाइए इसी तरह हाथ। और ये देखिए हमारा इलायची जो है वो भुन चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में दूसरी निकाल लेते हैं, एक साइड में खाली प्लेट रख लीजिए। अब इसमें डालेंगे हम लौंग, लौंग डाल देंगे और लौंग को भी स्लो आंच पे इसी तरीके से भुनना है। और मेरे एक चीज़ का ख्याल रखना मेरी बातों का, जो प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़ है, जो शुरू के मंथ होते हैं 2-3 महीने, तो प्लीज़ इस गरम मसाले को चाय में डाल के ना पिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी नुकसानदायक है। तो वो प्लीज़ इस चाय के मसाले का यूज ना करें, नॉर्मली चीनी चाय पत्ती अदरक से अपनी चाय बना के पी ली पीजिए, ठीक है। तो अभी हमने लौंग भूंज लिए, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे दालचीनी, जिसे हम लक्कड़ का मसाला भी कहते हैं। ये ले लिया और इसे भी हम स्लो आंच पे ही सेम प्रोसीजर में 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए बस हो गया ये भी। अब इसमें हम डालेंगे अपनी सौंफ और सौंठ, जो सूखी हुई अदरक होती है उसे, और बड़ी इलायची, और ये पीपल की छबीले कुछ कहते हैं, वो मुझे नाम नहीं पता, मगर इसे भी ले लीजिए, ना हो तो ऑप्शनल है। अब ये हमारी सौंफ का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं और लास्ट में अब हम भूंजेंगे इलायची, छोटी वाली ग्रीन वाली इलायची भूंज लेते हैं। अब इसे भूनने के बाद आप इसे भी एक साइड में निकाल लीजिए। अब मैंने केसर भी भूंज लिया है और तुलसी के बीज होते हैं जो, वो भी ले लेना, मुझे तो नहीं मिले। और इन सभी को एक बार लास्ट बार सारा मिक्स करके भून लेते हैं अच्छे से। ये देखिए आप लोग कितना बढ़िया से भून चुका है, महक आने लग गई है पूरी किचन में, बिल्कुल बढ़िया से भून चुका है। अब इसे हम एक मिक्सी जार में ले लेते हैं और फिर बारीक इसका पाउडर बनाएंगे। इन सभी का पाउडर बना लेते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए जब ही पीसना। ये मैंने पाउडर बना लिया है, ये देखिए आप लोग कितना बढ़िया बना है, और महक जो है वो दूर दूर तक आएगी। आप चाय बनाएंगे तो काफ़ी लोग आपके घर पे चाय पीने भी आ जाएंगे, हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है ये चाय का मसाला। अब इसे हम चाय बना के भी आपको दिखा देते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया कलर और फ्लेवर की बात करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। मैंने 2 कप बना रही हूँ चाय, एक अपनी दोस्त के लिए और अपने लिए, तो उसे भी चाय पे मैंने इनवाइट किया है। चीनी चाय पत्ती, ये चाय का मसाला थोड़ा तेज डाल दिया क्योंकि सर्दी पड़ रही है, तो ठंड में तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ है। ये देखिए पानी जब अच्छे से बॉइल्ड होने लग जाए तब इसमें अब हम दूध डाल देते हैं। कलर की बात करें, कलर बिल्कुल बढ़िया आ चुका है, एक आधा गिलास तक मैंने दूध डाला है और हमारी चाय बिल्कुल ही बॉइल्ड हो चुकी है अच्छे से, और हमारी चाय बनके रेडी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना। और जब वीडियो देख लेती हूँ तो एक लाइक बनता है, तो इसी तरह सपोर्ट और प्यार बनाए रहें ताकि आप लोगों को मेरी और भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो मिलती रहे। ये तो घर की है चाय के मसाले की, ताकि आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग
देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।